गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्स फोर्स। तो आज हम अपने इस एक्सपीरियंस क्लाउड के सीरीज में अपना सेकंड सेशन देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में हम अपने साइट को एक्सेस करने के लिए, अब हमने जो प्रीवियस वीडियो में एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया था, पब्लिश किया था, उसको एक्सेस करने के लिए हम अपने कस्टमर्स क्रिएट करने वाले हैं जो कि हमारे एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर सकते, राइट। तो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो प्लीज़ आप उसे देखो, फिर आप ये वाला वीडियो फॉलो करना, अदरवाइज गाइज आपको समझ नहीं आने वाला। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में साइट क्रिएट किया था उसके लिए करना पड़ेगा आपको क्विक सेंड बॉक्स, लाइक क्विक फाइंड बॉक्स में आपको आना है, ऑल साइट सर्च करना है, देन ऑल साइट से आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो कि हमने जो कल साइट क्रिएट किया था उसका नाम तो सेल्स फोर्स नो और ये उसका यूआरएल था, राइट। तो अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट, अभी मैं अगर लिंक पर क्लिक करता हूँ तो अभी मैं उस अपने इस एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर पाऊंगा। बट कैसे, क्योंकि मैं अभी एज अ सिस्टम एडमिन लॉग इन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दिखाता हूँ आपको माई प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि अभी मैं एज अ सेल्स फोर्स नो लॉग इन हूँ, जो कि सेल्स फोर्स नो क्या है, वो एक सिस्टम एडमिन है इसलिए वो एक्सेस कर पा रहा है। बट हमें इसे, हमने अपना एक्सपीरियंस साइट अपने सिस्टम एडमिन को क्रिएट किया नहीं है, इसलिए क्रिएट किया है अपने कस्टमर्स और पार्टनर्स के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई कस्टमर या फिर कोई पार्टनर हमारे एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर सके, तो पहले हमें उनके लिए एक यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है हमारे सेल्सफोर्स सीआरएम में। ओके, हमारे सेल्सफोर्स सीआरएम में उनके लिए यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है ताकि उनके लिए क्रेडेंशियल जनरेट हो और उस क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके वो हमारे एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर पाए। अब आप बोल रहे हो भाई क्यों जरूरी क्या है क्रेडेंशियल्स का, वो तो एक्सेस भी एक्सेस कर ही सकते हैं ना। तो गाइज, आंसर है कि नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो एक्सपीरियंस साइट क्रिएट किया है वो ऑथेंटिकेटेड एक्सपीरियंस साइट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस लिंक को कॉपी करता हूँ एंड इसे ओपन करता हूँ इन कॉमटो मोड या फिर किसी और भी क्रोम में, तो आप देख सकते हो कि हमसे ये लॉग इन एंड पासवर्ड मांग रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी लॉग इन पासवर्ड मांग रहा है, बट हमारे पास तो कोई यूजर नेम या फिर पासवर्ड था ही नहीं। तो गाइज, इसको इस लॉग इन इसी लॉग इन क्रेडेंशियल्स जनरेट करने के लिए हमें वो यूज़र रिकॉर्ड हमारे सेल्सफोर्स सीआरएम में क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले गाइज हमें ये समझना है कि जो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, तो ऐसा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो होता है कि हु आर एक्सपीरियंस साइट यूजर। ओके, तो इसका आंसर है पहला कस्टमर, जो कि किस टाइप के रिकॉर्ड होते हैं, कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड कस्टमर बन सकते हैं या फिर पर्सन। तो गाइस, जब भी आप एक्सपीरियंस साइट यूजर क्रिएट करोगे तो हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस साइट यूजर होगा कौन। तो बेसिकली दो टाइप के एक्सपीरियंस साइट यूजर होते हैं, लाइक हु आर एक्सपीरियंस साइट यूजर। तो दो टाइप के एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस यूजर होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा कस्टमर होता है, सेकंड होता है हमारा पार्टनर। तो कस्टमर वो होता है जो कि हमारा प्रोडक्ट परचेस करता है, और पार्टनर वो होता है कि जो हमारे पोर्टल पर आके प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट 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 सिनेरियो हो सकते हैं। तो अब बात यह कि बनता कौन है कस्टमर, तो जो कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड या फिर जो पर्सन रिकॉर्ड होता है वो आपका कस्टमर में कन्वर्ट होता है, और जो आपका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड होता है वो आपका पार्टनर में कन्वर्ट हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप सोच रहे हो कि पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है, तो गाइस पर्सन ऑब्जेक्ट एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि बाय डिफॉल्ट आपके और में नहीं मिलता है। इसको अनेबल करने के लिए आपको सेल्सफोर्स में अप्लाई करना पड़ता है, तो वो फिर अनेबल कर देते हैं आपको। ओके, बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्लस अकाउंट होता है। देन का जो सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि कैसे आप अपने एक्सपीरियंस साइट यूजर को क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे दो वेज हैं क्रिएट करने के। फर्स्ट, आप अपने कस्टमर या फिर पार्टनर को मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो अपने सेल्सफोर्स सीआरएम के हेल्प से, बाय कन्वर्टिंग कॉन्टैक्ट या पर्सन रिकॉर्ड इनटू कस्टमर, और बाय कन्वर्टिंग कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड इनटू पार्टनर यूजर, लाइक दैट। तो फर्स्ट स्टेप तो ये है, और सेकंड स्टेप ये है कि आप सेल्फ रजिस्टर वाली फंक्शनलिटी अनेबल कर दो, ताकि कोई भी गेस्ट यूजर आए, फॉर एग्जाम्पल कल को आप ही आए मेरे पोर्टल पर हमारे लिंक को एक्सेस करके, तो लॉग इन पेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको शो करूँ तो कुछ इस तरह का लॉग इन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हो, यहाँ पे कोई एक एडिशनल ऑप्शन नहीं दिख रहा, राइट, अभी क्योंकि हमने सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन अनेबल ही नहीं किया है इस साइट के लिए। तो जैसे ही आप सेल्फ रजिस्टर वाला फैसिलिटी अनेबल कर दो इस साइट के लिए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलने लगेगा जिसका नाम होगा नॉट अ मेंबर क्वेश्चन मार्क। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको लॉग इन पेज दिखेगा, साइनअप पेज दिखेगा, जहाँ पर यूज़र अपना खुद से पर्सनल डिटेल फिलअप करके खुद से खुद को सेल्फ रजिस्टर कर सकता है और फिर एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर सकता है। तो गाइस ये था सिनेरियो, तो डायरेक्टली चलते हैं एंड इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो गाइस आज के स्टूडियो में क्या देखने वाले, आज के स्टूडियो में ये देखने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने सीआरएम सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज़ करके किस तरह से आप अपने किसी कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को
कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो और फिर उसे क्रेडेंशियल जनरेट करवा के उसको आपके एक्सपीरियंस साइट में लॉगिन एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो। तो गाइस बहुत ही टाइम पास हो गया, अब हम चलते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी हमें इसको देखते हैं। तो गाइस कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो भी आपका एक्सपीरियंस साइट यूजर था उसको कौन कौन से लाइसेंस असाइन किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट होता है कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस, जो कि आपके कस्टमर को मिलता है। देन जो सेकंड होता है वो आपका कस्टमर कम्युनिटी प्लस होता है, बेसिकली ये कस्टमर कम्युनिटी लाइसेंस होता है, बट इसके साथ साथ आपको रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड के भी एक्सेस मिल जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड सेटिंग के भी एक्सेस मिल जाते हैं। ओके, तो ये जो दोनों लाइसेंस है आपको आपके कौन से रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, या तो आपका कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पे एक्सेस कर सकते हैं, लाइक जो कॉन्टैक्ट कस्टमर में कन्वर्ट हुआ है, या फिर आपका जो पर्सन अकाउंट कस्टमर कन्वर्ट हुआ है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। देन जो थर्ड है वो है हमारा पार्टनर कम्युनिटी लाइसेंस, जो कि आपके पार्टनर्स के लिए होता है। आप देख सकते हो कि द पार्टनर कम्युनिटी कांट बी यूज विथ पर्सन अकाउंट, इसलिए है। बाकी ये चैनल अकाउंट एक लाइसेंस जो कि नॉर्मल आपके किसी पर्टिकुलर पार्टनर को कुछ बेसिक चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। देन ये एक्सटर्नल ऐप है जो कि आपके कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स या फिर स्टेक होल्डर्स को इंगेज करने के लिए काम आता है। एंड एक और होता है जो कि होता है एक्सटर्नल आइडेंटिटी। तो जब भी कोई गेस्ट यूज़र आपके साइट पे आके खुद को सेल्फ रजिस्टर करेगा ना, तो इसका मतलब वो खुद को रजिस्टर कर रहा है, सेल्फ रजिस्टर कर रहा है, तो जो भी यूज़र रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है वो उसके थ्रू ही क्रिएट हो रहा है आपके सीआरएम में। तो उस केस में उसको कौन सा लाइसेंस अप्लाई होता है, उसमें होता है एक्सटर्नल आइडेंटिटी लाइसेंस। ओके, तो गाइस कितना याद रखना है अभी, बस याद नहीं रहोगे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करोगे या क्रिएट करोगे तो बाई डिफॉल्ट आपको ये ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट करने के लिए। ओके, तो अब बहुत टाइम पास हो गया, अब चलते हैं देखते हैं किस तरह से आप अनेबल कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस साइट यूज़र अपने सीआरएम की हेल्प से। सीआरएम बोले तो गाइस मैं सेल्सफोर्स ऑर्ग की बात कर रहा हूँ, जितने बारे में सीआरएम बोलूँ तो समझ लेना मैं सेल्सफोर्स ऑर्ग की बात कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको अपने डिजिटल एक्सपीरियंस, मतलब आपको क्विक फाइंड बॉक्स में आना है एंड यहाँ पे डिजिटल एक्सपीरियंस सर्च करना है। ओके, देन सबसे पहले आपको काम करना है वो आपको यहाँ पे सेटिंग क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा होगा, अलाउ यूजिंग स्टैंडर्ड एक्सटर्नल प्रोफाइल फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन यूजर क्रिएशन एंड लॉग इन। तो आपको इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर देना है, देन ओके कर देना है। ओके, देन यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सेव। तो गाइज ये आपको सेव कर देना है, ये सारी स्टेप्स मैंडेटरी है। चाहे आप सीआरएम से कोई एक्सपीरियंस साइट यूजर क्रिएट करो या फिर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन से करो, ये सब प्रोसेस मैंडेटरी है। पहला ये था। देन जो सेकेंड हमारा प्रोसेस होता है वो होता है आपके वर्क स्पेस से। तो आपको यहाँ पे अपने ऑल साइट्स पे क्लिक करना है, देन आपका ये वर्क स्पेस है ना, ये वर्क स्पेस आपको क्लिक करना है, मतलब जो भी आप जिस भी एक्सपीरियंस साइट के लिए एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हो उस एक्सपीरियंस साइट के जो वर्क स्पेस है उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, राइट। देन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको ये मेंबर दिख रहा होगा, तो इस मेंबर पर क्लिक करना है। तो बेसिकली इस मेंबर में आपको सारे प्रोफाइल्स को ऐड करते हो, जिस प्रोफाइल्स को आप चाहते हो कि वो आपके कस्टमर पोर्टल को एक्सेस कर सके। तो बेसिकली कुछ लिमिटेड ही प्रोफाइल्स होते हैं जो कि एक्सेस कर सकते हैं। तो जो कुछ स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स होते हैं जो कि सेल्सफोर्स खुद प्रोवाइड करता है, जो कि आप अपने एक्सपीरियंस साइट यूजर को साइन कर सकते हो लॉग इन करने के लिए अपने पोर्टल पे, वो क्या होता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे, आप जैसे फिल्टर है राइट, ऑल कस्टमर इंटरनल पार्टनर। तो अगर मैं कस्टमर पे सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ ये सब ऑप्शंस होते हैं जो कि आप अपने किसी कस्टमर को असाइन कर सकते हो ये सारे प्रोफाइल। देन अगर मैं पार्टनर भी दिखाऊँ तो ये सारे पार्टनर्स के लिए प्रोफाइल होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ कस्टमर पे, तो हमें कौन सा लाइसेंस यूज करना है, हमें लाइसेंस यूज करना है कस्टमर कम्युनिटी वाला, राइट, ये पहला वाला लाइसेंस, राइट। तो अगर आप पहला वाला लाइसेंस यूज करते हो तो आपको बाई डिफॉल्ट ये वाली प्रोफाइल का एक्सेस मिल जाता है। तो अगर आप ये वाला प्रोफाइल आपको करना है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना, मतलब इसको इस वाले अवेलेबल प्रोफाइल में से सिलेक्ट प्रोफाइल में ऐड कर देना है। तब जैसे तो बाई डिफॉल्ट सिस्टम एडमिन ऑलरेडी ऐड है, इसलिए मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कस्टमर कम्युनिटी यूजर वाले प्रोफाइल को भी ऐड कर दिया। आप चाहो तो बाकी वाले को भी कर सकते हो, जो जो प्रोफाइल आप चाहते हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर कस्टमर कम्युनिटी प्लस लाइसेंस यूज करें, तो आपको ये वाला प्रोफाइल ऐड करना पड़ेगा, कस्टमर कम्युनिटी प्लस यूजर। अगर आपको ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल यूज नहीं करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही प्रोफाइल को क्लोन करके आप उसको कोई और नाम दे सकते हो और वो आप इसमें एज ए मेंबर ऐड कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा सेकेंड स्टेप था कि आपको अपने एक्सपीरियंस साइट के लिए मेंबर्स ऐड करने पड़ते हैं। मेंबर्स बोले तो बेसिकली गाइस प्रोफाइल्स ऐड करनी पड़ती है, जो प्रोफाइल्स जो
जो इस प्रोफाइल को एक्सेस होता है आपकी एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस करने का, राइट, उनको ही राइट्स होता है। गाइज हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब सिंपल चलना है, यहाँ पे सेव कर देना। तो गाइज ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, ओके। तो गाइज ये दो स्टेप बहुत ही याद रखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, के बिना आप कभी कोई एक्सपीरियंस साइट यूज़र अनेबल कर ही नहीं सकते हो, ना कि CRM साइट से और ना ही सेल्फ रजिस्ट्रेशन साइट से, ओके। देन जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो आता है कि आपका, अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो ये तो हमने कर दिया, ओके। देन जो थर्ड स्टेप आता है वो बताता है कि आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ सेल्स क्लाउड ओपन कर लेता हूँ, ओके, ऐसे ही आप डॉट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। तो आपका जो भी कॉन्टेक्ट आप कन्वर्ट करना चाहते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। कॉन्टेक्ट नाम में दे देता हूँ सिंपल, फॉर एग्जाम्पल कोई सिंपल सा नाम है, थॉमस क्रूज कर देता हूँ, ओके, थॉमस नाम रखता हूँ एंड यहाँ पे क्रूज कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे एक ईमेल मेंशन कर देता हूँ के salesforce@gmail.com। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल मैसेंड कर दिया एंड मैं सिंपल क्लिक कर देता हूँ सेव। तो गाइस जैसे ही आपका एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ऑन द कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पेज क्लिक अनेबल कस्टमर यूज़र, ओके। तो अगर आपको किसी कॉन्टैक्ट को कन्वर्ट करना है अपने कस्टमर में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो लाइटनिंग एक्शन है ना, इस पर क्लिक करना है यहाँ पे ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अनेबल कस्टमर यूज़र करके। तो इसके दो वेज हो सकते हैं, दो रीज़न हो सकते हैं कि क्यों हमें ऑप्शन अभी नहीं दिख रहा है। पहला तो ये रीज़न हो सकता है कि जो हमारा अनेबल कस्टमर यूज़र है, राइट, अगर ओके, अगर आप कस्टमर को कन्वर्ट करो अगर आप किसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करो किसी कस्टमर में, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा, अनेबल कस्टमर यूज़र। बट अगर आप किसी अकाउंट को कन्वर्ट करो पार्टनर में, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अनेबल एज अ पार्टनर। अब इसको तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, राइट। तो सेम जैसे यहाँ पे अकाउंट पे उसको एज अ पार्टनर रिमेंबर करने के लिए ऑप्शन मिल रहा है अनेबल एज पार्टनर, सेम उसी तरह से हमारे इस कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड को भी वो ऑप्शन मिलना चाहिए था अनेबल एज कस्टमर। तो इसके दो रीज़न है कि ये क्यों नहीं दिख रहा। पहला ये रीज़न है कि हमारा वो वाला लाइटनिंग, लाइक हमारा वो वाला जो, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, लाइटनिंग एक्शन बोलते हैं। तो पहला ये रीज़न हो सकता है कि हमारा जो लाइटनिंग एक्शन है, ये हमारे कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर ड्रॉप ही नहीं हुआ है। तो इसको ड्रॉप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल गियर आइकन पर क्लिक करना है, देन एडिट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना, राइट। देन आपको पेज लेआउट में आना है, देन आपको कॉन्टैक्ट लेआउट सेलेक्ट कर लेना है, एंड देन आपको ये मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन सेलेक्ट करोगे, तो आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे हमें वो सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, राइट, अनेबल कस्टमर यूज़र, अनेबल पार्टनर यूज़र सब। तो अगर मैं चलता हूँ इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो आपका सेक्शन है सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कुछ ऑप्शंस नहीं दिख रहे, राइट। तो आपको ये जो स्क्रू दिख रहा है ना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो अब सारे सारे वो ऑप्शंस दिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी आपके लाइटनिंग एक्शन जो कि आपके पेज लेआउट पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अगर आप अब आप यहाँ देखोगे, तो आप देख सकते हो कि आपका अनेबल कस्टमर ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके पेज लेआउट पर, बट वो आपको दिख नहीं रहा है, राइट, वो आपको दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब पेज लेआउट पे तो प्रेजेंट है, बट वो आपको दिख नहीं रहा है। इन द केस आपके पास ये वाला अनेबल पार्टनर यूजर आपके यहाँ पे नहीं है, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से ड्रैग यहाँ पे ड्रॉप, आपके कस्टमर यूजर बाय डिफॉल्ट आप प्रेजेंट नहीं, तो आपको सिंपली यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, देन यहाँ पे सेव कर देना है। तो गाइज ये तो पहला हमारा कंक्लूजन निकलेगा कि वो अनेबल कस्टमर यूजर तो प्रेजेंट है हमारे पेज लेआउट पर, बट वो हमारे इस लाइटनिंग एक्शन वाले में दिख क्यों नहीं रहा है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि आपको जो ये कॉन्टैक्ट है ना, आपका जो कॉन्टैक्ट है वो किसी अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो आप हमेशा रखना, जब भी आप किसी कॉन्टैक्ट को एक कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो कॉन्टैक्ट एक अकाउंट से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ, तो यहाँ पे एक अकाउंट वाला टैब ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेल्सफोर्स नोट हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मैं चलता हूँ इस सेल्सफोर्स नोट को इस एक कॉन्टैक्ट से एसोसिएट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ यहाँ पे सेल्सफोर्स नोट सेलेक्ट करता हूँ एंड सेव करता हूँ, राइट। तो अब देखना, अब ये क्या हो गया, अब हमारे पास एक अकाउंट है जिसका नाम है सेल्सफोर्स टू, और उस अकाउंट के अंदर एक कॉन्टैक्ट है जिसका नाम है थॉमस क्रूज, और हम चाहते हैं कि इस थॉमस क्रूज को हम कॉन्टैक्ट से कस्टमर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना पड़ेगा, अब देखना, अब आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपने ये क्लिक किया, तो आई थिंक अब देख सकते हो एकदम टॉप पे आपको अनेबल कस्टमर मिल रहा है, राइट। तो जैसे ही आप अनेबल कस्टमर करोगे, राइट, जैसे ही आप अनेबल कस्टमर करोगे, तो ये आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देगा यूजर क्रिएशन पेज पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक यूज़र ही क्रिएट कर रहे हैं अपने सेल्सफोर्स ऑर्ग में, ताकि वो हमारे वो ये हमें क्रेडेंशियल जनरेट करके देगा। उस क्रेडेंशियल के हेल्प से आप अपने एक्सपीरियंस साइट यूज़र को सॉरी एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये एक आपका
कस्टमर क्रिएट कर रहा है आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में। तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि आपका एक्सपीरियंस साइट एक्सेस कर पाएगा या नहीं। तो गाइस आप जैसे तो यहाँ पे हम वो लिए उस टाइप का यूजर लाइसेंस को प्रोवाइड करने करने वाले हैं। तो आप जैसे तो यहाँ पे ये सब लाइसेंस है जो कि आप प्रोवाइड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस साइट यूजर को। तो आप जैसे तो इसमें कुछ ये भी है कि कस्टमर कम्युनिटी लॉग इन करके कस्टमर कम्युनिटी प्लस लॉग इन करने पर। तो ये वो टाइप का लाइसेंस है जो कि लॉग इन बेस्ड पे चार्जेस होते हैं इस लाइसेंस के। ओके कि नंबर ऑफ टाइम्स जितना भी लॉग इन हुए उस बेसिस पे चार्जेस लेती है सेल्स फोर्स की। देन आप दोस्तों ये हुआ है वो एक्सटर्नल आइडेंटिटी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि जब भी कोई गेस्ट यूजर आता है, फॉर एग्जाम्पल आप ही आए मेरे इस पोर्टल पे और आप खुद को सेल्फ रजिस्टर करना चाहते हो, राइट। तो अगर आपने खुद को सेल्फ रजिस्टर कर लिया सक्सेसफुली तो आपको बाई डिफॉल्ट ये एक्सटर्नल आइडेंटिटी वाला लाइसेंस मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस केस में क्या करना चाहते हैं, हम यूजर लाइसेंस देना चाहते हैं कस्टमर कम्युनिटी। तो आप जैसे तो बाय डिफॉल्ट हमें प्रोफाइल कौन सा अवेलेबल है, कस्टमर कम्युनिटी यूजर। तो याद रखना गाइस जो भी प्रोफाइल आप यहाँ पे दे रहे हो वो प्रोफाइल आपके उस साइट के मतलब आपके उस साइट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में जो मेंबर्स हैं उसमें आपने उसको ऐड किया हो, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है ऐड। तो आपको वो प्रोफाइल ऐड करना जरूरी है मेंबर्स में अपने साइट के एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में। अदरवाइज आप अपने एक्सपीरियंस साइट को लॉग इन वाला एक्सेस प्रोवाइड करने से तो क्रेडेंशियल्स जनरेट नहीं होंगे अगर आपका ये मेंबर ऐड नहीं होगा यहाँ पे तो वर्कस्पेस में। तो सिंपल ये काम हो गया। तो अब जैसे तो इसने सारा सारा डिटेल जो भी है आपके कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट से ही ग्रैप कर लिया, जो कि कॉन्टेक्ट आप कन्वर्ट करने चाह रहे हो अपने यूजर में। तो आप जैसे तो वो सारी डिटेल आप चेक कर लो। तो जो भी ईमेल आपने यहाँ पे मैंशन किया ना उस ईमेल पे आपका क्रेडेंशियल जनरेशन वाला लिंक आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसको सेव करता हूँ। सेव करने से पहले आप देख लेना कि आपका ये चेकबुक सेलेक्ट होना चाहिए जनरेट न्यू पासवर्ड एंड नोटिफाई यूजर इमीडिएटली। तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ ओके तो आप देखो ये डुप्लीकेट यूजर नेम है, तो यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए सेम और में। तो इसको मैं चलता हूँ @10 करता हूँ ओके। तो अभी भी अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो मुझे एक एरर आएगा, वो एरर कहेगा मैं बताता हूँ सेव करके। अगर मैं चलता हूँ सेव करता हूँ तो गाइस ये आ गया मुझे एरर। तो आई थिंक निक नेम का एरर आया है, ये नहीं आएगा, एक और एरर आएगा इसके बाद, मुझे पता है क्या एरर आने वाला है। तो ओके आई थिंक वो एरर नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो सॉल्व कर लिया है। ओके तो ये हमने सक्सेसफुली क्यों क्रिएट कर लिया, ये हमारा सक्सेसफुली एक यूज़र क्रिएट हो गया, राइट। मतलब हमने कॉन्टेक्ट को कन्वर्ट कर दिया किस में, एक यूज़र रिकॉर्ड में। और वो यूज़र को रिकॉर्ड को हमने कौन सा लाइसेंस दे दिया, कस्टमर कम्युनिटी वाला, और प्रोफाइल दे दिया कस्टमर कम्युनिटी यूज़र वाला। तो इसका मतलब अब ये एक कॉन्टेक्ट कस्टमर यूज़र बन चुका है हमारे सेल्सफोर्स ऑर्ग में, जो कि हमारे उस साइट को एक्सेस कर सकता है। किस साइट को एक्सेस कर सकता है, वो सारे के सारे साइट को एक्सेस नहीं कर सकता जो कि आपके सेल्स ऑर्ग में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे ऑल साइट्स, ओके ऑल साइट्स पे चलता हूँ, तो हो सकता है अभी गाइस देखो अभी सिर्फ हमारे पास एक ही साइट है, बट कल को हो सकता है हमारे पास मल्टीपल साइट्स हो, तो सारे के सारे साइट को एक्सेस नहीं कर सकता है वो यूज़र। वो यूज़र सिर्फ उसी साइट को एक्सेस कर सकता है जिस साइट के मेंबर में आपने वो प्रोफाइल ऐड किया होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो हमारे इस यूज़र को कौन सा प्रोफाइल एक्सेस है, कस्टमर कम्युनिटी यूज़र। तो हमने अपने इस साइट के वर्कस्पेस में आए, देन उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये मेंबर वाला सेक्शन है उस मेंबर में हमने प्रोफाइल ऐड कर दिया, इसलिए वो इस साइट को एक्सेस कर सकता है। बट अगर आपने दूसरे साइट के एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में ये मेंबर में वो प्रोफाइल ऐड नहीं किया है तो वो वाला साइट आपका ये कस्टमर एक्सेस नहीं कर सकता है। तो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप याद रखना। एंड वन मोर थिंग जो कि इस वीडियो में दिखा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्ले कर रखा है, तो ये है कि आप जब भी एक कस्टमर कन्वर्ट कर रहे होगे ना, मतलब कॉन्टेक्ट को एज ए यूजर कन्वर्ट कर रहे होगे, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस भी अकाउंट से वो कॉन्टेक्ट रिलेटेड में, फॉर एग्जाम्पल आप अभी हमने क्या किया, अभी हमने इस कॉन्टेक्ट को कन्वर्ट कर दिया, राइट। इस कॉन्टेक्ट को जो कि हमारा थॉमस क्रूस है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक यूज़र में, इन शॉर्ट बोले तो कस्टमर यूजर में, क्योंकि उसे कस्टमर कम्युनिटी वाला लाइसेंस प्रोवाइडेड है। तो आप जैसे तो कि ये कॉन्टेक्ट आपका किस अकाउंट से रिलेटेड है, सेल्सफोर्स में, और ये सेल्सफोर्स नूब का ऑनर कौन है, सेल्सफोर्स नूब ही है। तो जो भी ये ऑनर है उस ऑनर को कोई ना कोई रोल असाइन होना चाहिए, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इस यूज़र को जो कि सेल्सफोर्स नूब है, जो कि उस अकाउंट का रिकॉर्ड ऑनर है, इसको हमने एक रोल दे रखा है CEO। अगर यहाँ पे कोई भी रोल नहीं होगा ना तो आप वो कॉन्टेक्ट को यूज़र में कन्वर्ट कर ही नहीं पाओगे, आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये गाइज ये चीज़ हमेशा याद रखना, राइट, कि आपके उस अकाउंट के रिकॉर्ड ऑनर को कोई ना कोई रोल असाइन होना चाहिए एक कॉन्टेक्ट को एक कस्टमर में क्रिएट करने के लिए। ओके तो गाइज ये हमारा काम हो गया। तो जैसे ही आपका ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ ना थॉमस क्रूस वाला, तो आप जैसे तो ये सारी डिटेल है, यूजर लाइसेंस ये है, प्रोफाइल ये, तो आपने जो भी ईमेल यहाँ पे मेंशन किया होगा उस ईमेल पे एक मेल गया होगा,
राइट। तो अगर मैं चलता हूँ अपने जीमेल ओपन, तो आप देख सकते हो कि इस टाइप का कुछ मेल आता है राइट। तो इससे लुक सेव करता हूँ, तो देख सकते हो वेलकम टू सेल्सफोर्स नूम। तो बेसिकली जो सेल्सफोर्स नूम, ये क्या है, ये हमारे कम्युनिटी का नेम है। अब देख सकते हो ये जो हमने साइट क्रिएट किया था इसका नाम था सेल्सफोर्स नूम, तो इसलिए वो बोल रहा है वेलकम टू सेल्सफोर्स नूम, टू गेट स्टार्टेड गो टू दिस लिंक। अब देख सकते हो इसका यूजर नेम ये है, एंड इस लिंक को आपको एक्सेस करके आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं चलता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड डायरेक्टली मैं इसको इन कंप्यूटर मोड में ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा आपके कस्टमर का, तो आपको सिंपल जो भी पासवर्ड देना है आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं चलता हूँ सिंपल यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ राइट, एंड देन चेंज पासवर्ड कर देता हूँ। गाइस आपको पासवर्ड याद रखना है, तो जैसे ही आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो आपका जो कस्टमर है वो उसे एक्सेस मिल जाएगा आपके एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस करने। तो फॉर एग्जांपल आपको ये याद रखना कि आपका जो यूज़र नेम है उसका यूज़र नेम ये है, और पासवर्ड तो आपको पता ही है जो आप क्रिएट करने वाले। तो अगर आप, मैं चलता हूँ यहाँ पे माई प्रोफाइल में आता हूँ, तो आप देखना कि आप एज अ कस्टमर लॉग इन, जो कस्टमर आपने क्रिएट किया जस्ट अभी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक डिटेल होगी। ओके तो आप देख सकते हो नेम क्या है थॉमस रूज, ईमेल आईडी क्या है ये, और बाकी डिटेल आपने फिलअप नहीं किया है इसलिए वो दिख नहीं रही। तो बेसिकली ये जो ज़्यादा डिटेल है ये आपको कहाँ से मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस साइट में, ये मिल रहा है आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग के रिकॉर्ड वाले यूज़र रिकॉर्ड से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ आई थिंक ओके या तो जो भी डिटेल यहाँ पे इस यूज़र रिकॉर्ड में आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग में प्रेजेंट है, वही डिटेल आपके कस्टमर को उसके एक्सपीरियंस साइट पे शो हो रहा है। तो गाइस इसलिए बोलते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस साइट है आपके ये सेल्सफोर्स ऑर्ग से इंटीग्रेटेड है। आपके सेल्सफोर्स सीआरएम में जो भी डेटा है वो आप अपने एक्सपीरियंस साइट पे एक्सेस करके अपने कस्टमर्स को शो कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से आप अपने कस्टमर के इस तरह से गाइस आप अपने एक्सपीरियंस साइट के लिए कस्टमर क्रिएट कर सकते हो मैनुअली सेल्सफोर्स ऑर्ग के हेल्प से राइट। तो ये तो हो गया गाइस कि आपका कस्टमर को क्रेडेंशियल मिल गया, वो अब कभी भी किसी भी टाइम आपके सेल्सफोर्स एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस कर सकता है बस उसके लिंक के हेल्प से राइट। मतलब यूजर नेम मिल गया, पासवर्ड मिल गया, तब वो नॉर्मली लॉग इन कर सकता है। बट गाइस अगर कल को मैं चाहता हूँ कि एज अ इंटरनल यूज़र मैं भी उस कस्टमर को एज अ कस्टमर लॉग इन कर सकूँ उस एक्सपीरियंस साइट में, और देख सकूँ कि वो क्या क्या काम कर रहा है, उसका क्या क्या काम चल रहा है, कैसा सब प्रोग्रेस है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ तो बताता हूँ। तो जैसे इस कॉन्टेक्ट को हमने कन्वर्ट किया था राइट एज अ कस्टमर यूज़र, तो अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो अनेबल करने के बाद, अनेबल कस्टमर यूज़र करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो, अगर सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट हो जाता है तो क्या होगा वाइस, अगर फिर आप इस ड्रॉपडाउन पर अगर क्लिक करते हो ना तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिशनल जो कि पहले नहीं था। तो आप देख सकते हो कि पहले ये ऑप्शन था ही नहीं, लॉग इन टू एक्सपीरियंस एज यूज़र। तो ये ऑप्शन आपके सेल्सफोर्स ऑर्ग यूज़र को मिलता है जो कि आपके उस कस्टमर क्रेडेंशियल्स एक्सेस कर सकता है, लॉग इन कर सकता है एक्सपीरियंस साइट को। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलता हूँ, अगर गाइज आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका ये कॉन्टैक्ट कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हुआ है प्रॉपर्ली सक्सेसफुली, या फिर आपका ये जो लाइटनिंग एक्शन है वो आपके पेज लेआउट पर ड्रॉप नहीं है। तो अगर आपको उसको ड्रॉप करना है तो सेम वही प्रोसेस फॉलो करना होगा जो कि मैंने अभी बताया था राइट। तो सिंपल अगर मैं चलता हूँ इसको क्लिक करता हूँ लॉग इन इंटू एक्सपीरियंस एज ए यूज़र, तो अब मैं क्या होगा, अब मैं एज ए एडमिन ही, बट अब मैं लॉग इन कर लिया हूँ किसमें, एक्सपीरियंस साइड में एज अ वो कॉन्टैक्ट थॉमस रूज। तो अभी अब मैं दिखाऊँ तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो माई प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा, तो अब जैसे तो यहाँ पे नेम में आएगा थॉमस रूज, तो अभी मैं लॉग इन हूँ कैसे एज अ थॉमस रूज। तो गैस ये दो तरीके होते हैं, अगर आपका इंटरनल कस्ट अगर आपका सेल्सफोर्स और यूज़र चाहे आपके इंटरनल सीआरएम से लॉग इन करना उस कस्टमर के क्रेडेंशियल से, तो वो डायरेक्टली लॉग इन एज कस्टमर यूज़र वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अदरवाइज अगर आपका कस्टमर चाहे आप एक्सपीरियंस साइट को एक्सेस करना, तो डायरेक्ट उसको क्या करना है, आपका जो ये साइट का लिंक है ये साइट के लिंक को कॉपी करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ इसे इनकॉग्निटो मोड में ओपन करता हूँ, तो इस लॉगिन को एक्सेस करना है, और ऑलरेडी मैं लॉग्ड इन था मतलब कस्टमर लॉग इन, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो कुछ इस तरह का लॉग इन पेज आपके कस्टमर को दिखेगा। तो यहाँ कस्टमर को आपके कस्टमर को उसका क्रेडेंशियल्स आपको मेंशन करना था। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में क्या था, न्यू सेल्सफोर्स 10@gmail.com, और पासवर्ड क्या था वो मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं डाटा से फिल कर लेता हूँ। जैसे अगर मैं फिल करके इसको लॉगिन करता हूँ तो आप देख सकते हो आपका कस्टमर सक्सेसफुली आपके एक्सपीरियंस साइट में लॉगिन कर सकता है। इसका मतलब आपने सक्सेसफुली एक अपने एक्सपीरियंस साइट के लिए एक कस्टमर क्रिएट कर दिया है जो कि अपना क्रेडेंशियल जनरेट हो गया उसका, वो कभी भी किसी भी टाइम आपके
पोर्टल को एक्सेस कर सकता है। तो ये हो गई बात आपके एक कॉन्टेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने का, राइट। आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, बाई यूजिंग सेल्सफोर्स और। बट सपोज इन केस आपको अपने कॉन्टेक्ट को कस्टमर यूजर नहीं बनाना है, आपको उसे एज अ पार्टनर अनेबल करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो उसका ये स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास एक अकाउंट है एस एफ मूव नाम से, तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हो एक्शन लाइटनिंग एक्सेस, तो आप जैसे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है अनेबल इस पार्टनर करके। तो आपको सबसे पहले आपको वो अकाउंट अनेबल इस पार्टनर करना पड़ेगा, तो आप जैसे इस पर क्लिक करो तो आपको ये अनेबल इस पार्टनर हो जाएगा, राइट। तो अगर आप अगेन एक क्लिक करते हो तो आप जैसे तो आपको अगेन एक दूसरा ऑप्शन मिलने लगेगा, डिसेबल पार्टनर यूजर हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये अकाउंट सक्सेसफुली एज अ पार्टनर अनेबल हो गया है। ओके अब आप चाहते हो, ओके एंड इससे पहले अगर आपको ये सब ऑप्शंस नहीं मिल रहे, फॉर एग्जांपल अगर ये आपको नहीं मिल रहा डिसेबल पार्टनर यूजर या फिर आपको अनेबल पार्टनर यूजर नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब वो लाइटनिंग एक्सेस आपके इस अकाउंट ऑब्जेक्ट के पेज लेआउट पर प्रेजेंट नहीं है। आपको जाके पेज लेआउट में उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा आपके सेल्सफोर्स मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्सेस वाले सेक्शन में, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया है इस वीडियो में। तो फॉर एग्जाम्पल पार्टनर लेकर करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो अकाउंट अनेबल एज पार्टनर करना पड़ेगा। देन आप चाहते हो कि इसके अंदर का अब क्या करना पड़ेगा गाइस, अब इस अकाउंट के अंदर आपने जो भी कंटेंट क्रिएट किया होगा, फॉर एग्जांपल अभी कोई भी नहीं है तो मैं चलता हूँ एक क्रिएट कर लेता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम चलता हूँ मैं देता हूँ पार्टनर यूजर, ठीक है मैं नाम ले लेता हूँ या फिर इसको कर देता हूँ टेस्ट पार्टनर यूजर, ठीक है। एंड यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट में कोई ई मेल आई डी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम ई मेल आई डी देता हूँ salesforce@gmail.com, मैं सेव करता हूँ। तो ये हमारा एक कॉन्टेक्ट क्रिएट हो गया किस अकाउंट के अंदर, एस एफ नूब अकाउंट के अंदर, जो कि अनेबल एस पार्टनर हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो अब आप जाओगे यहाँ पे लाइटनिंग एक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन मिलेंगे अनेबल कस्टमर यूजर और अनेबल पार्टनर यूजर। तो अगर आपको कस्टमर में कन्वर्ट करना है तो आप ऑलरेडी, आपको मैंने बता रखा है कि आप अनेबल कस्टमर यूजर कर सकते हो, बट इस बार आपने क्या किया है कि आपने इस अकाउंट को अनेबल एस पार्टनर कर दिया, तो इसलिए गाइज हमें सेकेंड ऑप्शन मिल रहा है अनेबल पार्टनर यूजर। तो आपको सिंपल एनेबल पार्टनर यूजर पर क्लिक करना है एंड सेम वही सारी प्रोसेस अगेन रिपीट होने वाली है जो कि कस्टमर क्रिएट करते टाइम हुआ था। सेम आपका वो लाइसेंस अप्लाई कर देना है, देन आपको सेम प्रोफाइल अप्लाई कर देना है, देन उसके बाद आपको यही प्रोफाइल ऐड कर देना है उस साइट के वर्कस्पेस में जाकर, राइट। उस साइट के वर्कस्पेस में आपको आना है एंड वर्कस्पेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके अंदर क्लिक करना है एंड मेंबर्स में जाके आपको प्रोफाइल ऐड कर देना है जिस प्रोफाइल को आप एक्सेस देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पार्टनर चलता हूँ, तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये वाला प्रोफाइल को एक्सेस मिल जाए आपके साइट का, तो आप इसको डायरेक्टली आप ऐड करके यहाँ से सेव कर सकते हो। तो बेसिकली मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैं सिर्फ डेमो पर्पज से आपको शो कर रहा था। तो गाइस इस तरह से आप अपना सेल्सफोर्स सीआरएम के हेल्प से, मतलब सेल्सफोर्स और के हेल्प से ही अपने कॉन्टेक्ट को एज अ कस्टमर यूजर या फिर एज अ पार्टनर यूजर क्रिएट कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया कि आप किस तरह से आप इंटरनल सीआरएम यूज करके कर सकते हो कस्टमर यूजर या पार्टनर यूजर क्रिएट। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप अपने वेबसाइट के लिए सेल्फ रजिस्टर फैसिलिटी अनेबल करोगे, जिसके हेल्प से आपको ये सारी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका गेस्ट यूजर आएगा, कोई भी यूजर आएगा आपके साइट पे इस लिंक को एक्सेस करते हुए, तो आपको वो लॉगिन वाला पेज मिलेगा सबसे पहले, और यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन मिलेगा नॉट अ मेंबर क्वेश्चन मार्क वाला। तो जैसे वो उस पर क्लिक करेगा तो उसको साइन अप पेज शो होगा, उसमें अपना खुद की डिटेल फिलअप करके वो खुद को सेल्फ रजिस्टर करके अपना लॉग इन क्रेडेंशियल जनरेट कर सकता है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले गाइस गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।